हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने नए नए सारे सूट जितने भी मैंने लिए हैं। जो मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग देखना चाहते हैं मेरे सूट्स, तो आप लोगों ने के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, हाँ रश्मि हम देखना चाहते हैं। मैंने बोल दिया था भाई देखो ये मेरी शॉप के ही है, तो आप लोग देखना चाहते हो तभी आप लोग बताइएगा। तो सभी के मैसेज आए थे कि रश्मि हम देखना चाहते हैं, कॉमेंट आए थे रश्मि हम देखना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी शॉप के सिलवाए हुए सूट्स शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे सारे डिजाइन। सारे सूट मुझे बहुत अच्छे लगे, और भी थे बीच में दो तीन डिजाइन जो मैंने अपने लिए निकाले थे, लेकिन किसी कस्टमर को पसंद आ जाते हैं तो फिर मन में लालच आ जाता है, अरे कोई बात नहीं ये जा रहा है जाने दो। क्योंकि देखो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मुझे बचता नहीं है, जब कोई सूट बिकता है तो मुझे पैसे बचते ही हैं। बस ये है कि मैंने ज्यादा मार्जिन सेट नहीं किया हुआ है, मैंने ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रखी हुई है, आटे में नमक के बराबर बस इतना। और मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, शायद इसी चीज की वजह से, क्योंकि बार बार मुझे ये ही मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि आपकी प्राइस बहुत रीजनेबल है। मतलब हमने ये सेम चीज देखी अपने आसपास, जब उनको चीज मिली तब उन्होंने ये मुझे मैसेज किया है कि जब हमने ये चीज सेम देखी अपने आसपास तो वो इतने की बताई। हमेशा जितने भी लोगों ने मुझे ये बात बोली है, चार पांच लोगों ने या सात आठ लोगों ने, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सबने ही बोली है, कुछ एक लोगों ने बोली है, तो उन्होंने यही बोला है कि सेम यही चीज हमारे घर के पास हमें जो है महंगी पड़ रही है, और इसीलिए हम बार बार आपसे लेते हैं, क्योंकि हम पहले वो चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने की मिली। और सीधी सी बात है, जो फैशन चल रहा है वही चीजें आ रही है, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रश्मि इस कलेक्शन पर, तो लोगों को पता होता है क्या चीज कितने की है। अभी आप आगे आगे डिजाइन देखेंगे जो मैंने अपने लिए बनवाए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लोगे कौन सी चीज कितने तक की हो सकती है। सभी इतना दिमाग तो रखते हैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बाहर वाले क्यों ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि देखो वो एक शोरूम खोलकर बैठे हैं, वो दुकान खोलकर बैठे हैं, वो उसका किराया भी दे रहे होंगे, उसका बिजली का बिल, ये वो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको सबका निकालना पड़ता है उसी में से, तो इस वजह से वो भी गलत नहीं है। और भाई जो जैसा कर रहा है हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, सबकी अपनी मर्जी है, सब जैसे भी करें, मुझे कोई नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह सकती, बस मैं अपनी बातें बता रही थी आप लोगों को। अगर कुछ गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज माफ कीजिएगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से देखिए डिजाइन, मैं आपको दिखाती हूँ और बताइएगा कैसे लगे, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, एक परेशानी बहुत है सर्दियों में मेरे साथ, या फिर गर्मियों में मैं कॉलर वाले सूट पहनती हूँ तब, इसीलिए मैंने कॉलर वाले सूट बनवाने बंद कर दिए हैं। मेरे ना गर्दन में दर्द हो जाता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं इसको उतार के लेटने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को दिखाने हैं अपने सूट। मैं आपको दिखाती हूँ सामान। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी सिंपल सूट से, नहीं, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी इस साड़ी से, जो कि मेरी इन्हीं पांच कपड़ों में आती है। अभी मुझे दो सूट गरम और बनवाने हैं, लेकिन वो अभी दिए नहीं है, निकाले नहीं है, वो बाद की बात है, लेकिन ये पांचों ड्रेस मेरे अभी महीने भर के अंदर बने हैं, जिसमें ये एक साड़ी है, ये वाली जिसे आपने मुझे देख लिया है पहने हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और इतनी हैवी भी नहीं है, और लुक भी बहुत अच्छा आता है, ये जो कि आपने देख ली है मेरी साड़ी, ये वाली। तो एक तो यही है, ये ड्रैकलिन पे जाएगी, बाहर रखी हुई थी, और ये इन्हीं पांच में आती है, क्योंकि इन्हीं पांच के साथ ये तैयार की थी। ये हापुड़ से ली थी, और जो बाकी सब दिखाऊंगी वो मेरी शॉप का है, अपने घर का माल है वो। चलिए आप शुरू करते हैं उन सामानों से जिनको अभी तक पहना भी नहीं है, बस रखा हुआ है और दिल कर रहा है कब पहनेंगे। ये सूट आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जो मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, बाकी के तीनों नहीं देखे होंगे। तो ये सूट है क्रेप का, ये मैंने बस ऐसे ही वीडियो में दिखा दिया था जब मुझे अपने लिए बनवाना था, तो वो वहीं से सेल हो गया था। तो ये मैंने सिंपल गला ही पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही है, और अस्तर वगैरह लगवा के बनवाती हूँ, मेरे अधिकतर सूटों पे अस्तर होता है, तो अस्तर वगैरह लगा हुआ है। अस्तर इतना मोटा है कि गर्मियों में बहुत गर्मी लगेगी। इस टाइप का है ये सूट, देखो अब कैसा लगेगा पहनने के बाद। बाजू मुझे बहुत छोटी सी लग रही है, देखते हैं कैसा लगेगा पहनने के बाद। ये इस तरीके का है,
इनर देखिए कितना मोटा है इसमें, तो अभी इनको तय करके रखूंगी। इसके साथ है ये प्लाजो, ये प्लाजो है इसके साथ, और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। दुपट्टा कहाँ गया, दुपट्टा 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 ले। सूट तो जो है मेरा ऐसे ही है मार्केट वगैरह के पर्पस का, जब पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी और बताना कैसा बना है। अभी तक मैंने ये पहन के ये भी नहीं देखा कि ये बना कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फिटिंग वगैरह ये सब। तो ये और ये इसके साथ बिल्कुल प्योर का दुपट्टा है, ये बहुत ही सुंदर जैसा प्रिंट प्लाजो पे है और उस पे है सूट पे, वैसा दुपट्टे पे है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखिए। तो एक सूट ये है मेरा, ये सूट मैं ना अपने वीडियो में दिखा भी नहीं पाई थी और ये ऐसे ही निकल गए थे, बहुत अच्छा दुपट्टा है इसका। तो एक तो यही हो गया मेरा ड्रेस जो आपको दिखाया, जो अभी तक पहना भी नहीं है, अभी इनको तय कर करके रखूंगी। अभी तो वैसे ही एक बार वॉश भी होंगे, आए हुए रखे हुए ऐसे के ऐसे। अब मैं आपको अगला ड्रेस दिखाती हूँ, ये वीडियो में गया भी नहीं था, ऐसे ही दो तीन लोगों के पास जा चुका है और एक पीस मैंने अपने लिए निकाल लिया था। ये जो सूट है, अरे स्लीव्स बहुत ही छोटी छोटी लग रही है यार, यहाँ तक आ जाएंगी वैसे ही लग रही होगी। तो ये जो सूट है इस तरीके का है और इसमें चाक नहीं है इस तरीके से। ये जो सूट है ना ये रेड कलर का है, करवा चौथ के लिए मैंने मंगाया था, लेकिन आप लोगों को पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो जहां से मेरा माल आता है वहीं से जो है घर आया। घर आने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैंने विपिन को बोला ये वापस भिजवा दो उनके एड्रेस पे, मैं नहीं कर पाऊंगी काम। और सारे सूट्स हैवी थे करवा चौथ के मतलब के फेस्टिवल के मतलब के, उसी में मैंने अपने लिए ये मंगाया हुआ था। मतलब ये ऐसे था कि जैसे और भी ले लेंगे और मैं भी ले लूंगी, लेकिन वो चला गया पार्सल। फिर मैंने ये सूट मंगाया कोरियर से उन भैया को बोल के कि एक सेट आप बस इसका भेज दो मैं तैयार करवा लूंगी, लेकिन अफसोस कि ये करवा चौथ पे मैं तैयार नहीं करवा पाई, ये इस तरीके से है बंद। फिर मैंने कहा चलो पहन लेंगे कभी ना कभी। और इसमें ना स्कर्ट थी, ये स्कर्ट थी इसमें, लेकिन हमने इसको प्लाजो बनवा लिया, हमने स्कर्ट कटवा के इसका प्लाजो तैयार करवा लिया इस तरीके से, इस तरीके से ये प्लाजो तैयार करवा लिया मैंने इसका। इसका जो खूबसूरती बढ़ाएगी वो इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत था ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है इस तरीके का, इस तरीके का इसके साथ ये दुपट्टा रहेगा। तो एक ड्रेस मेरा वो है, एक ड्रेस मेरा ये है, ये इस टाइप का है कि इसको हम वैसे भी किसी फंक्शन में पहन सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सिंपल सा इस तरीके से। आपको कैसे लगे बताइएगा, बाकी पहनने के बाद असली पता चलता है भाई चीज कैसी बनेगी कैसी लगेगी, तो वो बाद में पता चलेगा। इस तरीके से था ये सूट, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, पिक्चर में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, शायद पहनने के बाद भी लगे, कलर भी अच्छा लगा था मुझे। तो इसका स्कर्ट था मैंने कटवा के इसका प्लाजो बनवा लिया, और ये दुपट्टा तो दो दिखा दिए हैं। अब मैं आपको तीसरा सूट दिखाती हूँ, ये जो रेड वाला दिखाया था ना ये सिल्क के ऊपर है, पहले इतना नहीं पता था क्या है, बस पसंद आया ले आए बनवा लिया छुट्टी, अभी पता चल गया है। तो अभी जो मैं आपको अगला पीस दिखाने वाली हूँ, मेरे पास ब्लू सूट बहुत सारे हैं और ये भी ब्लू है, इसमें एक येलो कलर भी था वो रेनू जी के पास गया है, और ये एक ब्लू, ये सिर्फ दो ही पीस थे क्योंकि कुछ जो डिजाइनर पीस होते हैं या बुटीक में पीस होते हैं, बुटीक स्टाइल पीस होते हैं जो स्पेशली बनवाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कलर का कि कई बार वो सिंगल पीस भी होता है, कई बार वो दो में होता है, कई बार तीन में, कई बार चार में, जरूरी नहीं है कि उसमें चार पीस होंगे ही होंगे, चार कलर अवेलेबल होंगे, उसमें ज्यादातर दो ही होते हैं पीस, दो या तीन, दो या तीन। तो इसमें दो थे और ये थोड़ा महंगे में था, रेड वाला इससे कम है कॉस्ट में और ये ज्यादा में है क्योंकि ये उपाड़ा फैब्रिक है, उपाड़ा सिल्क,
जो कि बहुत महंगा होता है। अगर हम उपाड़ा हुआ या सिल्क हुआ ये फैब्रिक लें तो वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है। ये पूरा सूट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, पूरे सूट पर इस तरीके से है। ये पहनने के बाद देखेंगे कैसा लगेगा। सारे कलर डार्क है और इसका मैंने बनवाया है पैंट। मैं चाहती थी अम्ब्रेला प्लाजो बने, लेकिन हाँ भैया ने बोला पैंट ज्यादा अच्छा लगेगा, तो पैंट है इसका ये सेम कलर में। और ये सूट और इसका दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको। वो यहां पर जो है मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत कटवर्क में इसका दुपट्टा है इस तरीके से सूट का, जो कि मुझे लगता है सूट में चार चांद लगा देगा जब मैं ये पहनूंगी। पता चला अच्छा ही नहीं लगा, ये बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क में ये दुपट्टा रहने वाला है ये इस तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जैसे सर पे भी रखना होगा ना तो कितना खूबसूरत सा लुक आएगा इसका इस तरीके से ना कटवर्क में इस तरीके से। ऐसे मैं लेती तो नहीं हूं, लेकिन हाँ कई बार जैसे हम कहीं मंदिर वंदिर गए हैं, गुरुद्वारा गए हैं, या कहीं भी ऐसे पवित्र स्थान पे गए हैं, धार्मिक स्थान पे जहां पे सर पे लेना पड़ता है, तो वहां पर ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा खिल कर आएगा इस तरीके का। ये मैंने दुपट्टे की वजह से ज्यादा लिया था, क्योंकि मुझे दुपट्टा अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से दुपट्टा लेना। तो आप बस बताना कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है। अभी एक ड्रेस और बाकी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको लास्ट ड्रेस दिखाती हूँ जो कि बहुत हैवी में है। हैवी मतलब लुक इसका काफी हैवी में है, और ये जो है स्कर्ट टाइप में है, इस टाइप में है, ये स्कर्ट टाइप में रहने वाला है ये ड्रेस इस तरीके से, इस तरीके से पूरे सूट पे काम है इस पे, पूरे सूट पे। और ये सबसे महंगा ड्रेस है इन सब में, ये स्कर्ट है, मैंने स्कर्ट ही रहने दिया इस तरीके से। इसमें क्या है ना, कुर्ती है ऊपर, इसके साथ कुर्ती है ये वाली, ये कुर्ती है इसके साथ जॉर्जेट की, ये भी जॉर्जेट का ही है, मिरर वर्क वगैरह है, लेकिन इसका मिरर वर्क मुझे मिरर वर्क वाला नहीं लग रहा है, काम चलाऊ वाला लग रहा है। कुर्ती है ये इसके साथ, कुर्ती पर भी सेम वर्क है इस तरीके से, नीचे पल्ले पर मैं खोल कर ही दिखा देती हूँ इस तरीके से, और साथ में स्लीव्स पर भी वर्क है इस तरीके से, इस तरीके से। मुझे लगता है सबको ये ड्रेस ज्यादा पसंद आने वाला है, पार्टी टाइप का है, और ब्लू वाला भी जो है सबको पसंद आने वाला है। रेड वाला शायद थर्ड नंबर पर रखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर पर येलो ही रखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्लू और थर्ड नंबर पर रेड। रेड सिंपल सोबर है एकदम, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है रेड वाला। वो इसलिए भी क्योंकि उसको हम वैसे भी पहन सकते हैं, आगे चलकर ये चीजें जो है इनको हम घर में नहीं पहन सकते हैं एक दो बार के अलावा। लहंगा लिया था, रखा हुआ ही विराज रहा है वो, तो इसके साथ मैं क्या करूंगी मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं इसको ऐसी पहनूंगी, कमीज और स्कर्ट। दूसरी बार मैं इसके साथ कुछ करने वाली हूँ, दूसरी बार मैं इसकी कमीज का क्या करूंगी कि इसके नीचे लैगी ले सकती हूँ, लैगी पहन लूंगी। और इस लहंगे के साथ मैं क्या करूंगी कि ब्लाउज बनवाऊंगी, ये ब्लाउज के साथ पहनूंगी इसको। ब्लाउज में मैं सोच रही हूं कि अगर इसका दुपट्टा रंग जाता है, मतलब मैं कुछ करने वाली हूं, दूसरी बार इसको मैं चेंज करके पहनूंगी ब्लाउज बनवा के। ये इस तरीके का है, इस तरीके का पीस है ये, इस तरीके का। मैंने भैया को बोला था थोड़ा सा कमीज शॉर्ट कर दो, बट उन्होंने इतना शॉर्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल लंबाई रखी है। और ये इसका नेट का दुपट्टा है, और आगे चलकर कुछ भी नहीं किया तो गुड्डू के काम आ जाएगा, गुड्डू के लिए हम इसको तैयार कर देंगे कुछ ना कुछ करके। तो कैसे लगे मेरे सारे ड्रेस बताइएगा, मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं,
बहुत अच्छे लगे मुझे और मेरी ही शॉप के हैं। ये भी अच्छा लग रहा है येलो कलर का। अगर आपने कभी भी इस टाइप का कोई भी ड्रेस लेना है, मेरे पास आते रहते हैं सब तरह के, अलग अलग सब तरह के प्राइस में होते हैं। तो मेरे दूसरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह के ड्रेसेस लेना चाहते हैं। बस मैं वही कहूंगी कि जैसा कपड़ा होगा, जैसी चीज होगी, उसी हिसाब से उसका प्राइस होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे चीज और अच्छी होती जाती है, उसमें वर्क होता जाता है। कई बार सिंपल सोबर चीज भी बहुत महंगी होती है। तो इतना मैं कह सकती हूँ कि जो प्राइस आपको मेरे रश्मिज कलेक्शन पर मिलेगा वो आपको बाहर ही शायद देखने को मिले। अगर वो दे रहे हैं आपको बाहर कहीं मिल रहा है, सेम चीज है, सेम फैब्रिक है, सेम क्वालिटी है, तो मैं यही कहूंगी फिर आप उनसे जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि आप मेरे से लोगे तो आपका कोरियर चार्ज भी लगता है, लेकिन अगर आपको सेम चीज, सेम मतलब जो क्वालिटी है चीजों में, अगर वो बाहर मिलती है उस प्राइस में, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कोई भी उस प्राइस में नहीं देगा। सभी लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरा ऊपर शॉप बन जाएगा तब उसमें लहंगा भी होगा, सूट भी होंगे, जहां तक है कुर्ती भी होंगी, लेकिन इतना कन्फर्म है आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। और मेरा ऐसा नहीं है ऑनलाइन का कि मैंने आपको चीज दी और हम लोगों का काम खत्म, नहीं। मेरा ऐसा रहेगा जैसा एक दुकान का होता है, अगर आपको चीज में कुछ 19-20 लग रहा है तो आप दोबारा से मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, दोबारा से मुझे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए लेकिन जरूर मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ बात हो गई तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई डर अपने मन में ना रखें। मैं बैठी हूं, जैसे आपको सामान देते वक्त आपके साथ बात की गई थी, अगर वैसा ही कुछ परेशानी आती है वैसे ही बातचीत तब की जाएगी। इस बात की मतलब जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी चीज में तब तक हम आप मेरा आपकी बातचीत होगी। और बस ज्यादा तारीफ भी कर ली मैंने खुद की नहीं की, मैंने कपड़े की है। कपड़ा बहुत अच्छा आ रहा है और आज भी मैं यहाँ बैठी हूं, मेरा काम हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा यही सबूत है कि आज भी मैं आपके सामने बैठी हूं, आज भी रश्मिज कलेक्शन पर वीडियो जाते हैं, आज भी मेरे घर में सूट रखे हुए हैं, चाहे वो विंटर के हों चाहे वो समर के हों। और ये सब जो आपने देखे हैं ये भी मेरी शॉप का है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया था, मैं इसीलिए दिखा भी नहीं रही थी, पहले मैंने पूछा था और जब मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि हाँ उनको देखना है तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। अब जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिखी जाऊंगी, क्योंकि सारे के सारे मैंने स्टिच करा लिए हैं, अनस्टिच कोई भी नहीं है इसमें। हाँ एक दो सूट है वो तो दिखाए ही नहीं है क्योंकि वो भी सिले नहीं है, वो सीधा पहनकर ही दिखा देंगे क्योंकि वो सर्दियों के हैं। ये ऐसे पीस थे, सिर्फ ग्रीन वाला छोड़कर, क्रेप वाला छोड़कर, सारे ऐसे हैं जो कि कहीं वैसे पहन सकते हैं, घर में नहीं पहन सकते। तो चलिए बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, कैसे लगे ड्रेसेस जरूर बताइएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी भी घर में एक छोटी सी शॉप है, बहुत जल्दी घर के ऊपर एक बहुत बड़ी सी शॉप भी बनने वाली है जिसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रश्मिज कलेक्शन को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ब्लॉग चैनल भी पसंद है, मेरे ब्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।